हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। दोस्तों, स्मार्टफोन की दुनिया में एक और बड़ी खबर। अगर आप 4G स्मार्टफोन को चलाना चाहते हैं और आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो जियो की टक्कर में एक और कंपनी सबसे सस्ता स्मार्टफोन केवल 500 रुपए में लॉन्च कर दी है। दोस्तों, बहुत ही जल्दी आप 500 रुपए में नया स्मार्टफोन चला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह फोन जियो ने नहीं बल्कि उसके टक्कर की दूसरी कंपनी ने लॉन्च किया है और आप उस कंपनी को पूरी अच्छी तरीके से जानते हैं। उस कंपनी का स्मार्टफोन बहुत पहले से इंडिया में चल रहा है और उस कंपनी के स्मार्टफोन को लोग बहुत ही पसंद करते हैं। दोस्तों, जियो का सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन जियो नेक्स्ट लॉन्च होने के बाद इस कंपनी का फैसला आया कि हम भी एक स्मार्टफोन लॉन्च करेंगे जो पूरी तरीके से जियो के स्मार्टफोन को मात दोगा। उससे ज्यादा कैमरा, उससे ज्यादा स्पेसिफिकेशन और उससे अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ यह फोन इंडिया में लॉन्च किया गया है, जिसको आप कुछ ही देर में देखने वाले हो। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके प्रॉब्लम का तुरंत सलूशन दूंगा आपके कमेंट में रिप्लाई करके। दोस्तों, आइए हम जानते हैं उस स्मार्टफोन के बारे में जो अभी अभी इंडिया में लॉन्च हुआ है। दोस्तों, उस कंपनी का नाम है Asus, Asus, Asus। जी हाँ दोस्तों, Asus ने एक नया स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है Asus ZenFone L1, जिसका प्राइस केवल 500 रुपए रखी गई है। दोस्तों, इसका प्राइस तो सुनकर सब लोग हैरान हो गए हैं और सबके मन में एक ही चीज आ रहा था कि इसके स्पेसिफिकेशन क्या होने वाला। दोस्तों, मैं आपके स्क्रीन के सामने इसका स्पेसिफिकेशन दिखाना चाहता हूं और उसे पढ़ के आपको बताना चाहता हूं। साथ ही साथ इस स्मार्टफोन का आपको फर्स्ट लुक दिखाना चाहता हूं। आप देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि Asus ZenFone L1 कितना बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, अगर आप 4G स्मार्टफोन अभी तक यूज नहीं करते हो। दोस्तों, यह एक बहुत बेसिक स्मार्टफोन है जो कि 4G सपोर्ट और एंड्रॉइड का लाइट नहीं, नॉर्मल एंड्रॉइड वर्जन प्ले स्टोर के साथ इनबिल्ट यह स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हुआ है। तो दोस्तों, यह है आपके सामने स्मार्टफोन जिसका नाम है Asus ZenFone Lite L1। दोस्तों, यह स्मार्टफोन ऑलरेडी इंडिया में लॉन्च हुआ था, लेकिन अब इसकी प्राइस घटाकर केवल 500 रुपए कर दी गई है। आप यहां पर देख सकते हैं 4G VoLTE सपोर्ट के साथ यह स्मार्टफोन इंडिया में अभी नए रेट में लॉन्च हो चुका है। आप इसका क्वालिटी देख सकते हैं, आगे की तरफ आपको सिंगल कैमरा, पीछे की तरफ आपको सिंगल कैमरा, साथ ही साथ आपको सेंसर देखने को मिल जाता है और यहाँ पर एक और कलर वेरिएंट, यहाँ पर यह फोन इंडिया में 2 कलर वेरिएंट में लॉन्च हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, इसी कड़ी में हम लोग इसी स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन पर नजर डालते हैं, जहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको यह फोन लेने लायक है या फिर नहीं। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस फोन को अपने घर वालों के लिए, किसी को भी ले सकते हैं जो पबजी नहीं खेलता हो। अगर आप पबजी खेलते हो तो आप इस स्मार्टफोन को कंसिडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 500 के स्मार्टफोन में पबजी का उम्मीद करना बिल्कुल गलत है। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं सीधा सीधा 28nm का प्रोसेसर दिया गया है जो पबजी को नहीं संभाल पाएगा। अगर किसी भी तरीके से आप इंस्टॉल करते हैं तो आप उसे खेल नहीं करेंगे, बिल्कुल बहुत ज्यादा लैग करेगा। तो यहाँ पर हम स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, IPS LCD 5. राउंड फिगर 5 इंच की डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगी, जहां पर घर वाले इस स्मार्टफोन को पाकर काफी खुश होंगे। 16GB 2GB रैम और इंटरनल स्टोरेज का वेरिएंट दिया गया है। पीछे की तरफ आपको 13MP कैमरा, सिंगल LED फ्लैश और उसके साथ साथ सामने की तरफ आपको बेसिक 5MP कैमरा दिया गया है। साथ ही साथ आपको सामने की तरफ एक LED फ्लैश दिया गया है, जिसे आप ब्राइटर सेल्फी ले सकते हैं नाइट में भी। दोस्तों, यहाँ पर वाईफाई, हॉटस्पॉट, FM रेडियो, USB 2.0 का सपोर्ट और साथ ही साथ 3000mAh की बैटरी दी गई है जो नॉन रिमूवेबल है। दोस्तों, यह 500 का स्मार्टफोन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और इस स्मार्टफोन के लिए तो एक लाइक तो बनता है। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें और कब से स्मार्टफोन मिलना शुरू हो जाएगा आप इसी चैनल पे बहुत ही जल्दी जानेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि जो ही फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन पे यह स्मार्टफोन पूरी तरीके से आपके सामने ऑर्डर करने के लिए तैयार होता है, मैं तुरंत ही वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे स्पेशल और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।